रिया, ये सब कुछ क्या है? बार बार मना करने के बाद कि ये डील साइन हो गई है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? आज तक तुमने मेरे बिजनेस डिसीजन में कभी भी दखल नहीं दिया, तो फिर आज क्यों? ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए अभी कि अगर आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बिजनेस डील में दखल अंदाजी नहीं की तो आज ही क्यों? अभी वो इंसान ठीक नहीं है, हमें किसी भी कीमत पे उसके साथ ये डील साइन नहीं करनी चाहिए थी। पर खैर, अगर अब ये डील साइन कर दी है तो इसे कैंसिल भी तुम ही करोगे। अभी ये डील प्लीज। भैया, मैंने भी यही तय किया था कि मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। तो फिर उस कपूर के साथ मैं बिजनेस करना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आई एम रियली सॉरी मिसेस कपूर, मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। मिस्टर मैशनरी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक मिनट, आप क्या कह के ये बिजनेस डील तोड़ेंगे? हाँ, ये सब कुछ जो मैंने बताया उसकी वजह से? अगर मिस्टर कपूर को पता चला ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो वो मुझे तो मार ही देंगे, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, इतने सालों से उनके जुल्म सह रही हूँ, अब तक छोड़ के क्यों नहीं गई मैं उन्हें? वो बहुत खतरनाक इंसान है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। वो आपको डरा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। अपने बारे में नहीं तो कम से कम रिया के बारे में सोचिए प्लीज। मिस्टर कपूर रिया को नहीं छोड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत कीजिए, रिया की जान को खतरा हो सकता है प्लीज। जानती है मिसेस कपूर, ये कपूर जैसे लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आती है? आप जैसे कमजोर लोगों की वजह से। आप कमजोर हैं लेकिन मैं नहीं हूं। वो आपको डरा सकते हैं, मुझे नहीं। रिया बिल्कुल सही कहती थी, कपूर जैसे इंसान के साथ बिजनेस करना किसी गुनाह से कम नहीं है। आई एम रियली सॉरी लेकिन मैं उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। अपनी माँ के लिए ये सब कर रही हूँ मैं। कोई भी इंसान कभी भी अपने लिए मजबूर नहीं होता, अपनों के लिए कमजोर बनना पड़ता। मेरे साथ मिस्टर कपूर जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन मेरी माँ जो जयपुर के हॉस्पिटल में है वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला, मैं उनके लिए कभी कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बस अब इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से कभी उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगती हूँ आपसे, बचा लीजिए मेरी माँ को प्लीज। मिसेस कपूर, आप ये सब आप अभी अभी पार्टनरशिप मत तोड़िए। अभी डील साइन नहीं करने से मिस्टर कपूर समझ जाएंगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप अभी डील साइन कर लीजिए और कुछ टाइम के बाद ना पार्टनरशिप तोड़ देना प्लीज। इस वक्त मैं अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगती हूँ आपसे, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। मिसेस कपूर की बात मैं टाल देता, मना कर देता इस डील के लिए, लेकिन फिर मुझे माँ की बात याद आ गई कि जोश में लिए हुए फैसले होश में आने के बाद तकलीफ देते हैं। मिसेस कपूर मुझसे मांगे क्या रही थी? अपनी और अपनी माँ की सलामती। वो चाहती थी कि मैं इस वक्त इस डील को साइन करूं और उसके बाद कुछ भी बहाना बना के ये डील कैंसिल कर दूं, और इसीलिए मैंने ये डील साइन की। अब कल जयपुर जाने के बाद मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा, कह दूंगा कि परिवार से डिस्कस किया लेकिन ये डील हमें सूट नहीं की, या फिर कुछ भी। कम से कम मिसेस कपूर और उनकी माँ की जान तो बचेगी। तुमने बिल्कुल ठीक किया अभी, पर क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर कपूर ये डील कैंसिल करने देंगे? मैंने सब कुछ सोच समझ के ये फैसला किया है। इस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि कोई भी बिजनेस पार्टनर एक महीने का नोटिस देके ये डील कैंसिल कर सकता है। बस इसी क्लॉज का मैं फायदा उठाऊंगा और ये डील कैंसिल कर दूंगा। ये कपूर, ये हमारे देश के सीक्रेट इंफॉर्मेशन सरकारी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट से हासिल करता है। उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को बहुत सारे पैसे में बेचता है। अब तुम इस बात की चिंता छोड़ो। हुँ? क्या हुआ, अपने अभी भी भरोसा नहीं है?
अभी तुम्हें पता है कि ये कपूर बिजनेस क्या करता है? हाँ, कंस्ट्रक्शन। टेररिस्ट है वो। आतंकवादियों के साथ ताल्लुक आता है उसके। क्या मतलब? रिया, ये तुम कैसे जानती हो? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं अभी, बहुत बड़ी। रिया, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर कपूर टेररिस्ट है? ये तुम्हें किसने बताया? अखिल, घर से फोन है माँ का। जी माँ। तो जिस काम के लिए तुम गए थे वो सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं? अभी तुम्हारे पापा बहुत परेशान हो रहे थे, लो तुम उन्हीं से बात कर लो, एक मिनट। हाँ अभी बेटा, बोलो। जी बाबूजी, डील साइन हो चुकी है और बाकी की डिटेल्स मैं जयपुर आके बताऊंगा। क्या डील हो गई? अरे वाह, जय राधे कृष्ण। मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंची आज, मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटा। मैं आज कितना खुश हूं। मेरे कितने अरमान थे कि मैं अपने इस रिसॉर्ट के बिजनेस को देश विदेश में फैलाऊंगा, अब वो सब सच होगा बेटा। आज मेरे सपने को परवाज मिला है बेटा। तुम जल्दी आ जाओ बेटा, एक मिनट अपनी माँ से बात करो और आशीर्वाद लो। मुबारक हो अभिमन्यु। जी माँ। पापा के अधूरे सपने को बेटा पूरा कर दे, इससे अभिमान वाली बात तो हो ही नहीं सकती। हमें तुम पर गर्व है बेटा, जीते रहो। माँ वो रिया से बात कीजिए। हरे कृष्णा माँ जी। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, मुबारक हो रिया बेटा। आपको भी। क्या बात है बेटा, वहां सब कुछ ठीक तो है? माँ जी वो दरअसल बात ये है कि रिया, कुछ नहीं माँ जी, वो थोड़ा थक गए हैं और ऊपर से नेटवर्क प्रॉब्लम भी है तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब ठीक है। तुम सच बोल रही हो ना रिया, कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं माँ जी, सब ठीक है। और कल हम जयपुर आ रहे हैं ना, तो तब बात करेंगे। चलो ठीक है बेटा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और जल्दी से वापस आ जा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। जी, जय श्री कृष्ण। हमारी आवाज सुन के उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। इस वक्त तो माँ को झूठ बोल दिया, लेकिन गड़बड़ तो है रिया। रिया, तुमने कहा कि कपूर के ताल्लुकात आतंकवादियों से, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वो सब मैं संभाल लूंगा। नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं नहीं कहता किसी को भी मुझे कांटेक्ट करने से मना करना, मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। हाँ, मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई, लेकिन वहां कुछ चेंजेस हुए हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। और हाँ, साहिब को मेरा सलाम कहना। मेरे मना करने के बाद भी कि पेपर्स पे साइन नहीं करना है, तुम राजी नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं नीचे लॉबी में गई तो निशा, तुम हो कौन? हो कौन? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा।
मैंने तो इसका नंबर सेव नहीं किया था अपने मोबाइल पर, तो फिर ये वही निशा है जिसने मुझे किडनैप किया था या फिर किसी और का नंबर है? हेलो, साइन हो गई डील? तुम्हारा नंबर मेरे फोन में किसने फीड किया? तुम्हारी बेहोशी में बहुत वक्त था मेरे पास अपना नाम और नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव करने के लिए। वैसे मुझे पता था कि तुम अनजान नंबर से फोन नहीं उठाओगी, लेकिन अगर मेरा नाम देखोगी तो फोन जरूर उठा लोगी। तो अपने पति और परिवार को नहीं बचा पाई ना? आखिर फंस ही गए तुम लोग कपूर के जाल में। मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी जब मैं पहुंची। रिया, किसका फोन है और तुम किसको बता रही हो हमारी डील के बारे में? जैसा मैंने कहा था, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो तुम लोग। रिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम किससे इस डील के बारे में बात कर रही हो? अब क्या होगा, तुम तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता जानती हो ना। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, हमें बचा लो। प्लीज निशा, प्लीज निशा। रिया, ये निशा कौन है? मुझे फोन दो। अभी एक मिनट। तो अभी मनियो को सब बता दिया कपूर के बारे में? तुम्हें कैसे पता? नहीं बताया होता तो उसे छुप के बात करती, उसके सामने नहीं। I really don't understand, तुम किससे बात कर रही हो? मुझे कुछ तो बताओ। बात बिकट जरूर गई है, लेकिन अभी भी सब संभाला जा सकता है। मैं कल तुम्हें जयपुर में मिलती हूँ और वहीं समझा दूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन तब तक ये डील कैंसिल करने की कोशिश मत करना। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कपूर को लगे कि तुम उसके बारे में ज्यादा जानती हो। वो सब जो नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल रिएक्ट मत करना। सिर्फ मुंह से काम नहीं चलेगा रिया, मेरी बात को सुनो और गांठ बांध लो। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम खुश नहीं हो इस डील से। लेकिन तुम लोग हो कि सबको ऐलान करने पे तुले हो कि खुशी नहीं है तुम्हें ये पार्टनरशिप करके। नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं बताया। हाँ, कपूर के आगे हमने नाराजगी जरूर दिखाई थी, पर और कुछ नहीं बताया। और अभी की माँ, उनसे इस तरह बात की तुम लोगों ने कि उन्हें महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने माँ से बात की है? मैंने कहा ना, तुम्हारी बेहोशी में बहुत वक्त था मेरे पास। छोटा सा ट्रांसमीटर लगा दिया है तुम्हारे मंगलसूत्र पे। अब तुम कहाँ जाती हो, किससे बात करती हो, ये सब पता चलता रहेगा मुझे। बस तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मुझे ये सब पता है। वो कौन? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। फिलहाल वही करो जो करने को कहा है। कल जयपुर में मुलाकात होती है तुमसे। निशा, निशा हेलो। रिया, ये निशा कौन है और ये हमारे बारे में कैसे जानती? रिया, क्या हुआ? पता नहीं, अभी चक्कर से आ रहे और बहुत कमजोरी सी लग रही है। चक्कर तो आएंगे ना, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, एक कप चाय भी नहीं पी। चलो आओ चाय। क्या हुआ रुक्मिणी जी, जब हमारे रिसोर्ट के सपने की सारी सलवटें निकल गई हैं, तो आपके माथे पर परेशानी की लकीरों ने कौन सी सलवटें खींच दी हैं? अभिमन्यु ने इतनी बड़ी डील साइन की है, लेकिन अभी और रिया की आवाज में खुशी की झलक बिल्कुल नहीं थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहां कुछ ठीक नहीं, वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एक माँ होने के नाते मुझे आभास है, शायद आपको नहीं। सही बात है, एक माँ ही है जो अपने बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र भी करती है और कई बार तो बिना किसी वजह से परेशान भी होती है। चलिए छोड़िए, चाय पीजिए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा रुपम जी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, ये कुत्ता भी ना हमारे घर की तरफ मुंह करके रो रहा है, देखिए तो सही। ये शुभ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओए बदमाश, चल भाग। भाग गया।
मुनि जी, ये जो भगवान है ना, ये सारे अपशगुनों को शगुन में बदल देते हैं। और हमारे घर पर तो कान्हा जी की कृपा है, आप देखना कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। चाय? अभी ये तो आपकी चाय। तो क्या हुआ, एक सिप लो। मैं झूठा नहीं कर सकती, मैं कैसे बांट सकती हूँ? जिंदगी बांट सकती हो, चाय नहीं बांट सकती। अरे पगली, जिस तरह से हम एक ही घर में साथ रह रहे हैं, वैसे ही एक ही प्याली में चाय भी पी लेंगे। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं फोन पे किससे बात कर रही थी, वो निशा है जो। रिया, पहले तुम खाना खाओ, बाकी सारी बातें बाद में। अच्छा ठीक है, मैं खुद खा लेती। तुम्हारे भरोसे रहा ना, तो खा चुकी तुम, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। लो, यहां ये दोनों अकेले अकेले जश्न मना रहे हैं। नॉट फेयर। हाँ, वैसे अभिमन्यु, ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया हुई। एक सी सोच, एक से ख्यालात वाले लोग आजकल मिलते कहां इतनी आसानी से। अब देखो ना, आज की खुशी को सेलिब्रेट करने हम दोनों यहां हैं, और तुम दोनों तो शुरुआत ड्रिंक से करते हैं। बेटा। जी सर। ड्रिंक्स प्लीज। जी लेकर आए। मिस्टर कपूर, जानता अब कहोगे कि हम महेश्वरी हैं, शराब नहीं पीते, शराब पीने से होश खो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे भाई, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी कभी सब कुछ करना चाहिए। अब अधूरे अरमान लेकर ऊपर भी चैन कहां मिलेगा? बोलो क्या लोगे तुम? कुछ नहीं। हाँ, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कुछ नहीं। अरे यार, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.